इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कैसे आप ऑनलाइन तैयारी की वेबसाइट पर अलग अलग एग्ज़ाम्स की स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक भी होते हैं जो कि किसी कॉन्सेप्ट के होते हैं, जैसे मैथ्स में अपना नंबर सिस्टम होता है, इसी तरह से रीजनिंग में जैसे अपना सिटिंग अरेंजमेंट होता है, जैसे इंग्लिश में अपना एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, या जीके में अपने हिस्ट्री या क्वेश्चन बैंक, हिस्ट्री या पॉलिटी, इस तरह से इनको ये सब प्रोडक्ट क्वेश्चन बैंक की तरह होते हैं। आप इन क्वेश्चन बैंक को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं, आप उसके क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसके आंसर देख सकते हैं, और उन कॉन्सेप्ट पे अपनी जो भी नॉलेज आपने ली है उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने के लिए आप हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन बैंक दिए होते हैं। सो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन बैंक एग्ज़ाम के हिसाब से भी दे रखे हैं, पब्लिशर के हिसाब से भी दे रखे हैं। मान लीजिए किसी को किसी स्पेसिफिक पब्लिशर या स्पेसिफिक कोचिंग के लिए चाहिए होता है तो वो यहाँ देख सकते हैं। किसी को किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए देखना होता है तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम वाइज देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, इस तरीके से। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दिखाता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और कितने सारे क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर नॉलेज के टॉपिक पे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हैं। क्वेश्चन बैंक हमारे यहाँ पर दो लैंग्वेजेस में मिलते हैं, अभी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आपको ये देखना है कि आप क्वेश्चन बैंक के स्टोर पे आ चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट हो और यहाँ पर क्वेश्चन बैंक हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन बैंक हैं, इंडियन पॉलिटी के हैं जो कि प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस 15 सालों के क्वेश्चंस के, 20 सालों के क्वेश्चंस के विद आंसर के साथ हैं, मार्केटिंग के क्वेश्चन बैंक हैं आपके पास, रीजनिंग एबिलिटी के हैं आपके पास, ज्योग्राफी के हैं आपके पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के आपके पास क्वेश्चन बैंक हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन बैंक आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड मिल जाएगा, चाहे से वो LIC ADA हो, या आप SSC के बात करते हो, या IAS की बात करते हो, या किसी भी टॉपिक की बात करते हो। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक यहाँ पर कई तरह के सेगमेंट में होते हैं, जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है, रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक है, और फ्री क्वेश्चन बैंक भी है। लेटेस्ट, रिकमेंडेड एंड पॉपुलर में आपको मोस्टली वो क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जो कि पेड हैं, बट इनमें प्रीमियम कंटेंट होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत मदद करता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से उस प्रोडक्ट के पेज पर चले जाएंगे। आपको देखना है कि ये क्या क्वेश्चन बैंक है, ये किसने दिया है, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिशा पब्लिकेशन ने दिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज हिंदी है कि इंग्लिश है, कौन से एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कितने रुपए में है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर्ड है, जैसे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक कवर हैं। आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ इस जैसे और कितने तरह के क्वेश्चन बैंक हैं आप वो सब भी देख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये क्वेश्चन बैंक खरीदने से पहले कैसा होगा तो आप यहाँ पर ट्राई नाउ करके देख सकते हैं। ट्राई नाउ में इसका सैंपल होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सैंपल के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्स्ट्रा जुडिशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेज फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया। तो आप इसको सेलेक्ट इसको कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है, और ये आपका इस तरह से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका आंसर सही है, इसके साथ ये आपका ऑप्शन भी पता चल जाएगा। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक एक करके आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो ये पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे और ये कौन से इससे आपकी नॉलेज में या आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर बाय नाउ का बटन दबा के इसको ले सकते हैं, और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बाय नाउ का बटन है जिसको आप दबाकर इसको ले सकते हैं। ख़रीदने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है अगर आपका अकाउंट बना पड़ा है, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना पड़ा है तो आपको रजिस्टर करना है। जैसे कि अभी मेरा अकाउंट बना हुआ है,
तो मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस कई सारे हैं। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन है, अगर आपका पास कोई बैंक में अकाउंट है तो आप वो कर सकते हैं, आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उससे कर सकते हैं, आप पेटीएम के वॉलेट से पे कर सकते हैं, पेयू के मनी के वॉलेट से पे कर सकते हैं, और अगर आपके ऑनलाइन तरीके वॉलेट में पैसे हैं तो उससे भी आप पे कर सकते हैं। जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करके मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करी है, और इस तरीके से आप पूरे अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये ख़रीदने के बाद अगर आपने ये प्रोडक्ट ख़रीद लिया है तो ये कैसे दिखेगा, इस प्रोडक्ट को देखने के लिए आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अपने अकाउंट में, और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी फ़ोटो या आपका नाम लिखा आएगा, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अपने माई अकाउंट में पहुँच जाएंगे, और माई अकाउंट में आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे स्टडी मटेरियल हैं, होम इंडिया ऑल इंडिया टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे थे तो आपको क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करना है। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने तरह के क्वेश्चन बैंक आपके अकाउंट में हैं, और एक एक करके आप उन क्वेश्चन बैंक को दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बैंक क्या है, और क्वेश्चन बैंक को देकर आप अपनी नॉलेज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।